नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। 3 के मल्टीपल फंदे इसे चाहिए और बॉर्डर बनाने के बाद 2 लाइन प्लेन बना लेंगे। आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे, और तीसरे लाइन से डिज़ाइन पढ़ना शुरू हो जाएगा। डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से 2 फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा, यानी जाली देते हुए 3 फंदा, 1, 2, 3। और उसके बाद ये हमने जाली दिया है, तो जाली के बाद वाला पहला फंदा ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के अंदर से दूसरा और तीसरा फंदा ऐसे निकालेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। फिर जाली के बाद वाला ये पहला फंदा ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर से दूसरा और तीसरा फंदा निकाल लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, यानी जाली देते हुए सीधा, 1, 2, 3। फिर पहले फंदे को, जाली के बाद वाले पहले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर से दूसरा और तीसरा फंदा ऐसे निकाल लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा। यदि आपको फंदा आगे से उठाने में परेशानी होती हो तो बैक से भी उठा सकते हैं, इधर से आसानी से उठ जाएगा। फिर दोनों फंदा ऐसे निकाल लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा। बैक से पहला वाला फंदा ऐसे उठाइए और इसके अंदर से 2 फंदे निकाल दीजिए, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट फंदा सीधा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से 1 फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप करेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। और फिर पहला फंदा, जाली के बाद वाला पहला फंदा उठाएंगे और इसके अंदर से दोनों फंदे निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने जाली बनाया है तो यहाँ पे देखिए एक छेद बन गया है, तो इस लाइन में यानी तीसरी लाइन में ये जो छेद वाला फंदा है, इसके ऊपर वाला ये दूसरा फंदा होगा। यानी अब देखिए, उनको अपनी ओर करेंगे और इन 3 फंदों को हमें सीधा बुनना है, 1, 2, 3। और प्रक्रिया वही है, पहले वाले फंदे को उठाना है और 2 फंदों को इसके अंदर से निकाल लेना है। देखिए, अब ये 3 फंदे हमको सीधे बुनने हैं उन अपनी ओर करके, और ये जाली वाला फंदा जो है वो दूसरा फंदा होगा। और पैटर्न वही है, पहले वाले फंदे को उठाएंगे, चाहे आगे से उठा दीजिए चाहे पीछे से उठाइए, और इसके अंदर से 2 फंदे निकाल लीजिए, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए, ये दूसरा फंदा वही जाली वाला फंदा होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो 3 फंदा सीधा बुन लेंगे और पहले वाले फंदे को उठाएंगे, चाहे आगे से उठाइए चाहे पीछे से उठाइए, जिस तरह आपको सहूलियत हो, और उसके बाद इसके अंदर से इन दोनों फंदों को निकाल लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा, 1। और ये देखिए, जाली वाला फंदा ये दूसरा फंदा है।
और फिर पहले वाले फंदे को उठाएंगे, ये जाली वाला फंदा है। इसके बाद यानी पहले वाले फंदे को उठाएंगे और इसके अंदर से दोनों फंदों को निकालेंगे और फिर इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। और लास्ट में दो फंदा ही आया है इसलिए इसे सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। डिज़ाइन का पांचवा लाइन और सामने से देखिए फ्रेंड्स, अब जाली जो है यहाँ बना हुआ है। इसका मतलब ये तीन फंदे जो हैं वो मेन हो गए, यानी हमें तीन फंदा सीधा बुन लेना होगा, एक दो तीन। और अब ये जाली वाला फंदा दूसरा फंदा है तो अब उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे। हमें हमेशा यही ध्यान देना है कि जो जाली वाला फंदा है वो दूसरा फंदा होना चाहिए। पैटर्न वही है, उन अपनी ओर करके और तीन फंदे सीधे बुनने हैं। और ध्यान ये देना है कि दूसरा फंदा हमेशा जाली वाला फंदा ही होना चाहिए। यही करके ऐसे ही पूरी लाइन को बुन लेंगे, तीन तीन फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे और पहले फंदे को उठाएंगे और इसके अंदर से दो फंदे निकाल लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है और सेम इसी डिज़ाइन को मैंने दो रंग में यहाँ देखिए बनाया है। पैटर्न सेम है, एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। डिज़ाइन सेम है लेकिन इसमें एक रंग से बनाया गया है और इसमें दो रंग से बनाया गया है। पीछे से देखिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है। डिज़ाइन आपके सामने है और दोनों सिंगल कलर और दोनों डबल कलर दोनों में एक ही डिज़ाइन पड़ा हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।